जय मिथिला। मिथिला खान पान, मिथिला भाषा सब बनल ई मिथिला पेज अहाँ सबके स्वागत करते हैं। आई अहाँ सब ला बनाबा जा रहल छी सेल रोटी। सेल रोटी हम पहिलो मिथिला किचन में देखा चुकल छी। आई जे बनाबा जा रहल छी से केरा, सूजी आ गुड़ सा, जिनका चीनी सा परहेज है हुनका सब लेल नाश्ता के लेल बहुत बढ़िया विकल्प अछि। सेल रोटी के संग में आलू आ तोरी के अचार। फुलायल चाउर एक कप, अरबा चाउर फुला कर लेने छी हम। एहिमे सूजी एक कप, कारी गुड़ लेलहुँ हैं। कारी गुड़ के जगह में अहाँ उजरका गुड़ सेहो लऽ सकै छी, हमरा लग कारी गुड़ छलै तऽ हम एकर उपयोग कऽ रहल छी। दूटा केरा लेलहुँ हैं हम, एहिमे सिंगापुरी केरा ले रहल छी, अहाँ मालभोग केरा सेहो लऽ सकै छियै। चाउर के मिक्सर ग्राइंडर में कनि पानि दऽ कऽ पतला पीस लेनाइ छै, जेना पिठार पीसै छियै ओहि हिसाबसँ अपना सबके पतला पीस लेबाक छै। खूब पातर होबाक चाही आ खूब मिहीसँ पिसबाक चाही। पीस लेलहुँ। आब एहिमे बारी बारीसँ सूजी गुड़ दऽ दै छियै और केरा के छोट 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 काटि कऽ से दऽ दै छियै। आधा कप दूध दऽ कऽ बढ़िआँसँ एकरा पीस लेबाक छै, एक बेर बढ़िआँसँ पिसबाक छै अपना। पीस कऽ पतला घोल तैयार कऽ लेबाक छै। घोल के आधा घंटा के लेल झाँपि कऽ राखि देबै। यदि बुझायत कि बहुत पातर भऽ गेल छै तऽ एक दू चम्मच ऊपरसँ सूजी दऽ कऽ एकरा मिला कऽ राखि सकै। जाबे फूलैए तबे अपना सब आलू के अचार बना लै छी। तोरी आलू अचार बनाबै के लेल तोरी फुला कऽ लेने छी दू चम्मच। एकरा हम पानि मे फुलै दऽ देने छलियै। चारि पाँचटा लाल मिरचाइ सूखल से दऽ देने छलियै। चारि पाँचटा आलू लेलहुँ हैं, अहाँ अपन आवश्यकता हिसाबसँ लऽ लेब। ओकरा टुकड़ा मे काटि लेलहुँ। काँच मिरचाइ यऽ हम जानि कऽ लाल लेने छी, अहाँ हरियरो मिरचाइ लऽ सकै छी, देखैमे नीक लागत कहि कऽ हम लाल मिरचाइ लेने छी। एकटा नेबो लेलहुँ हैं हम, तऽ घरके नेबो छलै, अहाँ कागजियो नेबो लऽ सकै छियै। साधारण किछु मसाला अछि जेनाकि मेथी, नून, हरदि आ लाल मिरचाइ। पहिले तोरीके पीस लै छी, बेसी पानि नहि देबै, दोखरा पीसैके छै अपना सबके। एनाका तोरीके हम पीस लेलहुँ हैं। लोहिया गरम केलहुँ, ओहिमे मेथी आ मिरचाइके फोरन दऽ कऽ आलू दऽ देलहुँ हैं। चम्मच हरदि, एक चम्मच नून, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हरी रंग के लिए देल गेलै। अब आलू बढ़िया से भुजा गेलै। पिछला तोरी जे छलै से लगलहुँ हँ, एकरा बेसी मिही नहि केलहुँ हँ। बेसी नहि भुजबै, कनी काल एकरा बढ़िआँसँ मिला लै छियै तेज आँचेपर। ओकरा बाद आँचके बंद कऽ देबाक छै। ठंडा भेलाके बादमे नेबो गाड़ि देबै। भऽ गेलै, आँचके बंद कऽ देलहुँ, ठंडा होलै राखि दै छियै। ठंडा भेलाके बादमे नेबो गाड़ि कऽ दऽ देलहुँ हँ आ बढ़िआँसँ एकरा मिला लै छियै। आलू तोरी के अचार बनकर तैयार भऽ गेल। अब इम्हर सेल रोटी के तैयारी करै छी। सेल रोटी बनाबे के लेल एते पातर घोल के आवश्यकता अपना सबके पड़त। एकटा गहींरगर लोहिया में तेल गरम होइला चढ़ा देलहुँ हैं। एहिमे हम रिफाइंड तेल लेलहुँ हैं, अहाँ तोरी तेल सेहो प्रयोग कर। हम एकटा कोल्ड ड्रिंक डिब्बा के काटि कऽ सेल रोटी घुमाबे के लेल लेलहुँ हैं। अहाँ हाथोंसँ घुमा सकै छियै, कोनो प्लास्टिकमे राखि कऽ घुमा सकै छियै, ग्लाससँ घुमा सकै छियै, लेकिन हमरा एहिसँ घुमेनाइमे बहुत आसान। घोलके दऽ कऽ खूब बढ़िआँसँ घुमेबाक छै। घुमाबै कालमे ध्यान देबै कि घोल जे छै से एकठाम जमा नहि भऽ जाए, चारू कात गोल बढ़िआँसँ भऽ जेबाक चाही।
ओना मिश्रण जते बढ़िया बनल रहत, घोल जते बढ़िया बनल रहत, तते बढ़िया से घूमत आ फूलत। खूब पातर रहत तो ई बढ़िया से गोल नहीं हैत, आ बेसी मोटो रहत तो बढ़िया से खसत नहीं और बढ़िया से फूलत नहीं। तो घोल जे बनाबे काल में अपना सबके पूरा ध्यान रखबाक छे जे कते मोट आ कते पातर होबाक चाही। अहिना क सबटा गोल क के बनेबे, एक तरफ बढ़िया से लाल भेला के बाद में एकरा बढ़िया से पलटा देबे। दोनों तरफ लाल भेला के बाद में निकाल लेबाक छे। दोसरो सोलुई में बढ़िया से भर ले। भरला के बाद में खूब बढ़िया से हाथ के घुमेबे, एकदम हाथ के नहीं रख कर हाथ के पूरा गोल घुमेबाक छे, जैसे बढ़िया से बैस रहत। अहिना कर सबटा सेल रोटी के बनाकर निकाल लेबाक छे। आँच तेज रहबाक चाहिए, जखन भी सेल रोटी बनाबी तेल गरम होइ से लऽ कऽ बने तक में एक रंग के आँच चाही, कम बेसी नहीं करब। तेजे आँच पर सेल रोटी बनायल जाइ छे, चाहे वो चाउर के होए चाहे सूजी के होए, बाकियों जते छे तहिना कर बना बना कर सबटा निकाल लेब। जते अपना सब लंग घोल छले ओते घोल से 7 से 8 टा सेल रोटी बनि कर तैयार भ जात। सेल रोटी के आलू के अचार के संग में सबके दियौन। ई आलू आ तोरी के अचार बहुत स्वादगर, एक बेर अहाँ सब घर में जरूर बनाओ। सूजी केरा के सेल रोटी आलू के अचार केहन लागल से कर प्रतिक्रिया हमरा जरूर देब। अहाँ सबसे आग्रह करै छी कि मिथिला किचन पेज के अहाँ सब लाइक करू आ शेयर जरूर करू। स्वस्थ रहू, सुरक्षित रहू। जय मिथिला, जय मैथिल। धन्यवाद।